अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसकी दो वजह है। पहली कि ये मेरा पहला व्लॉग है तो इसलिए तो स्पेशल होना ही है, और दूसरी वजह ये है कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगा। बस आप लोगों से मुझे इसी प्यार और सपोर्ट की उम्मीद है, तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहें, सपोर्ट करते रहें। 100 तो अभी शुरुआत है, मिलियंस पे भी हमने सब्सक्राइबर्स को लेके जाना है। बाकी आज हम क्या करने वाले हैं ये आपको जर्नी मैं अपने व्लॉग में दिखाऊंगा, आप लोगों से शेयर करूंगा। और सबसे ज़रूरी बात, जो जो इस चैनल पर नए हैं और बिना सब्सक्राइब किए व्लॉग देख रहे हैं, सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें। अपने स्क्रीन के कॉर्नर पे देख रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब बटन, तो उसको दबा के ग्रे करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरे आने वाले हर व्लॉग और कंटेंट का नोटिफिकेशन आप लोगों को फौरन मिल जाए। तो फिर आज का दिन हम शुरू करते हैं। तो अब आपसे मैं सीधा मिलूंगा हमारी अगली लोकेशन पे, बाय। बूम। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले क्लिप में बताया था, आज मेरे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो हम कुछ शुगर मेला लगाने जाएंगे। तो हम उसी खुशी में आज यहाँ ईदगाह आए हैं। अब यहाँ हम थोड़ी अपनी पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो आपको मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। तो ये नीचे मैं अपना इंस्टाग्राम मेंशन कर दूंगा, आप मेरी पिक्चर्स वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और आगे हम क्या करने वाले हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। एक तो जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उनको ये बात लाजमी पता होगी कि हैदराबाद में ज़्यादा प्लेसेस नहीं है कहीं घूमने फिरने के, बस यही दो चार गिने चुने प्लेसेस हैं। तो यहाँ से पिक्चर्स लेने के बाद देखते हैं आगे क्या करना है, तो व्लॉग को पूरा देखें। 2 hours later. तो भाई लोग, हम यहाँ मॉल में आए हैं। पता नहीं मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ काफ़ी शोर है। असल में मॉल हमें आना था मूवी देखने, मूवी तो हमारी हो गई मिस, क्योंकि हम लोग देर से पहुँचे तो शो शुरू हो गया था। तो मूवी का सीन फिर कभी बनाएंगे, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि कुछ खा लें पी लें, क्योंकि पेट भी तो भरना है ना यार। पेट नहीं भरेंगे तो एनर्जी कैसे आएगी, एनर्जी नहीं होगी तो फिर ब्लॉग कैसे बनेगा। तो ब्लॉग के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसीलिए हम कुछ खाएंगे पिएंगे ताकि हम ऐसे एनर्जी से भरे ब्लॉग आपके लिए और बनाएं। तो आइए आपसे मिलते हैं खाने। तो हम लोग जा रहे थे खाना खाने, लेकिन आज क्रिसमस है तो कुछ यूँ हुआ कि हमें यहाँ मिले हैं सेंटा। आइए आपको सेंटा से भी मिलवाते हैं। तो ये हमारे सामने खड़े हैं सेंटा, और एक क्रिसमस ट्री भी यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है। काफ़ी मतलब यहाँ पे अच्छा माहौल हो रहा है क्रिसमस के हिसाब से। तो अब हम आगे चलते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉल से बाहर, क्योंकि क्रिसमस की वजह से और कायद अजम की बर्थडे की वजह से मॉल में काफ़ी शोर था, और शोर में व्लॉग भी मुझसे नहीं हो रहा था क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी। तो जैसा कि आपको बताया, आप कुछ खाने जाएंगे, तो आइए वहाँ चलते हैं और आपसे मिलते हैं सीधा खाने पर। तो हम लोग यहाँ पर आ गए हैं रेस्टोरेंट, यहाँ से आगे क्या करेंगे ये आपको आगे दिखाता हूँ, नेक्स्ट को। तो भाई फाइनली हमें यहाँ जगह तो मिल गई है, अब देखते हैं हम क्या खाएंगे। तो जो भी खाएंगे आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो देखते रहिए। 15 minutes later. तो भाई यहाँ पे हमें बैठे बैठे ऑलमोस्ट 15 मिनट तो हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारा ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। पता नहीं ये लोग कब आएंगे। कहते हैं ना, ऊंची दुकान ठीक है पकवान। आज वो चीज़ हमने देख भी दी कि ऊंची दुकान तो है, लेकिन यहाँ फीका पकवान बहुत है। तो भाई लोग, हमारा मेन्यू कार्ड आ गया है यहाँ पे। अब देखना ये है कि हम क्या खाएंगे। तो पहले सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपको खाना दिखाएंगे। तो भाई लोग, मेन्यू देखते हुए कुछ नई चीज़ मेरे हाथ लगी है, ये आप लोग भी ज़रा चेक करें। यहाँ लिखा हुआ है डाइट कुल्फ़ी। मतलब भाई क्या डाइट कुल्फ़ी, क्या हमने डाइट कोक सुना, दूसरी डाइटिंग की चीज़ें देखी हैं, लेकिन ये डाइट कुल्फ़ी क्या है, ऐसा क्या ख़ास है इस कुल्फ़ी में। किसी दिन ये भी हम ट्राई ज़रूर करेंगे ताकि पता चले डाइट कुल्फ़ी की खासियत। हाँ तो भाई फाइनली हमारा ऑर्डर तो प्लेस हो गया है यहाँ पे। अब खाना आ जाए जल्दी से, काफ़ी भूख लगी हुई है यार, जल्दी खाना आ जाए बस।
तो भाई फाइनली हमारा खाना आ गया है, ये हम आपको दिखा दें। ओए होए 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 होए, मजेदार मजेदार, ये क्या बात है। तो भाई हमने मंगाई ये कढ़ाई, इसको वापस रखते हैं, और साथ ये हमने कोई नान शान कोई पराठे शराठे मंगाए हैं, तो अब आपको हम सीधा खाने के बाद मिलेंगे। दिखने में तो ये सब बहुत ही कोई टेस्टी लग रहा है, खा के पता चलेगा कि क्या टेस्ट है इसका। तो भाई अभी हमने दोबारा पराठे का ऑर्डर दिया है, लेकिन ये टोकरी कुछ इस तरह से आई, ऐसा लग रहा है इसके अंदर तो एक पराठा नहीं सांप होगा। तो अब देखते हैं इसमें पराठा निकलेगा या सांप। पराठा ही है, आप लोग डरे नहीं। तो भाई आप लोग ये प्लेट का हाल देख सकते हैं, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खाना पीना हमने कर लिया, आज का दिन काफी इंजॉय किया, अब बाकी बातें आपसे करूंगा मैं घर जाने के बाद। तो अभी जैसा आप लोग देख सकते हैं मैं अपने घर पे आ गया हूँ, बाकी पूरी जर्नी आप लोगों के साथ मैंने अपने व्लॉग में शेयर की, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। और पहला व्लॉग है, अगर कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई हो तो इग्नोर करिएगा। बाकी लास्ट में मैं आप लोगों से एक बार फिर से शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिखाया कि इतनी जल्दी मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन आप लोगों से प्यार और सपोर्ट की उम्मीद मुझे अभी भी है, क्योंकि 100 तो बस शुरुआत है, मिलियंस तक जाना अभी बाकी है। तो मिलियन भी आप लोगों ने करवाने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर करवाएंगे। तो बस आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं। अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, और बाकी मेरा कंटेंट तो चैनल पे आता रहेगा, तो कंटेंट भी देखना है और व्लॉग भी देखना है। आपसे मैं मिलूंगा नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।